चलिए असाइनमेंट मैं आपको करके दिखाता हूँ, जो अभी मैंने लेक्चर में आपको दी थी, सितंबर के डेटा को किस तरीके से आपने फिल्टर करना है और फिर सेव करना है। फिर देखते हैं कि अगर आपका आंसर सेम आया है या डिफरेंट आया है, और वी विल सी कि अगर आपका जो कोड है वो सही चला है कि नहीं चला। मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ, एंड देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हमारे पास जो है वो कोड रन करता है। अच्छा जी, असाइनमेंट आपकी ये थी कि आपने सेव करना है डेटा फॉर फर्स्ट 15 डेज ऑफ सेप्टेम्बर, ठीक है, एंड देन यू हैव टू राइट दैट इन टू सी एस वी फाइल, फर्स्ट 15 डेज ऑफ सेप्टेम्बर। तो उसके कई तरीकेकार हैं। पहला तरीका ये है कि हम डी एफ के अंदर पाइपिंग ऑपरेटर लगाएंगे, यहाँ से फिल्टर की कमांड लगाएंगे, ठीक है। फिल्टर की कमांड के बाद हम यहाँ पे मंथ लिखेंगे, इक्वल टू, और यहाँ पे सेप्टेम्बर होता है नाइन्थ मंथ, 9 मंथ्स का, ऐसे ही है, ठीक है। और हमने क्या करना है, जो एंड लगाना है इसके अंदर, फिर एंड लगा के डे जो है वो हमने रखना है, लेस देन 15 भी लिख सकते हैं, या आप इसको रेंज में भी लिख सकते हैं, परसेंट इन परसेंट लगा के, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एंड राइट सी एस पी डेटा फर्स्ट 15 डेज ऑफ सेप्टेम्बर, सिंपल, दैट्स इट। ये था इतना सा काम। और अगर आप इसको सी एस वी के अंदर लिखते हैं और इसके डेटा को हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, लेट्स सी हमारे पास क्या होता है। मैं इसको रन करता हूँ, यू विल सी कि हमारे पास यहाँ पे इसकी कोई रेंज नहीं आएगी। द डेटा इज 1.2 MB लॉन्ग, ये मेरे पास आ गया। और इस डेटा को अगर मैं ये एंड वाला कमेंट जो है इसको रिमूव करके सिर्फ इतना रन करता हूँ, इट विल नॉट डू एनीथिंग रादर देन जस्ट शोइंग मी कि क्या चल रहा है। सो मैं इसको रन करता हूँ, ये है जनाब हमारे पास नंबर ऑफ रोज 13,556, 19 कॉलम्स, एंड वी हैव अराउंड 1.2 MB ऑफ डेटा सेट। और अगर आपने इसको व्यू करना है, यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन दिस वन, और आपकी जो फाइल है वो यहाँ पे इस तरीके से व्यू हो जाएगी, बिकॉज दिस इज अ सी एस वी फाइल, तो इसकी 1.2 MB मेरे पास स्पेस आई है, ठीक है। तो ये हमारे पास असाइनमेंट का सोल्यूशन था, मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ, असाइनमेंट सोल्यूशन फर्स्ट 15 डेज ऑफ सेप्टेम्बर, ठीक है। सो ये आपको स्क्रिप्ट भी मिल जाएगा और उसके अंदर ये असाइनमेंट का जो सोल्यूशन है वो टोटली अवेलेबल है। अब आप में से जितने लोगों ने इसी प्रोसीजर को फॉलो किया, दैट्स गुड। अगर आपने इसको डिफरेंट वे में फॉलो किया और आपका डेटा का साइज थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, देन यू नीड टू चेक दैट कि कहाँ पे आपने गलती की।